ये PHCH3 है, यहाँ से ड्रॉप करो तो माइनस चार्ज एक बेंजीन के साथ क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा एक बेंजीन के साथ। यहाँ से ड्रॉप करो तो माइनस चार्ज दो दो बेंजीन के साथ डीलोकलाइज करेगा। यहाँ से ड्रॉप करो तो माइनस चार्ज कितने रिंग के साथ डीलोकलाइज करेगा, 1 2 3। तो ये ज्यादा डीलोकलाइज करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, सर। बराबर। तो यस आंसर कौन सा होगा, वो 3 2 1। फिनोल फिनाइल, फिनाइल पीएच मतलब फिनाइल होता है। सर ये ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से भी सेम आंसर आएगा ना इसका? नहीं, लेकिन वो रेजोनेंस देखोगे ना, रेजोनेंस डोमिनेट होगा। ठीक है, फिर वापस दिखाओ सर, वापस तुम्हारे पास है, देखो नोट्स है तुम्हारे पास। थोड़ा सा नीचे दिखाओ ना, वो पूरा पेपर नहीं दिख रहा। आपके पास बेटा वो है, क्या नाम है, नोट्स पीडीएफ। सर जूम इन नहीं रखो, वो रिकॉर्डिंग जब देखते तो उसमें ब्लर आता है, तब जूम इन नहीं रखो। नहीं अभी, लेकिन अभी बराबर है। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग देखते समय तब ब्लर होता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी बराबर है ना? अरे भाई रिकॉर्डिंग अभी कर रहा है ना, सेम ही आएगा कितने ना। लोग देखते हैं भाई, क्यों रिकॉर्डिंग देख रहे हैं? ये माइनस चार्ज रेजोनेंस से जा रहा है, इसमें माइनस चार्ज दो दो बेंजीन के साथ रेजोनेंस, इसमें माइनस चार्ज कितने के साथ रेजोनेंस, 3 के साथ, बराबर। यस सर। ओके सर। अब देखो जरा ध्यान से अगला देखो, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है ये वाली, इसमें तो इसमें क्या करेंगे हम, किस हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे, वही हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल है। इसमें ये दो हाइड्रोजन है वहां से ड्रॉप करेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहीं से ड्रॉप करेंगे। पहला क्वेश्चन, कहाँ से ड्रॉप करेंगे, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे माइनस चार्ज दो दो सल्फर के साथ क्या करेगा, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ में यहाँ से ड्रॉप करे या यहाँ से ड्रॉप करे सेम ही है, यहाँ से डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा, लेकिन इसमें डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना, बस क्रैक हो गया। इसमें डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में खाली ऑर्बिटल नहीं होता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 या 2 या 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, 1 2 3 की, बराबर। दोनों सल्फर के साथ रेजोनेंस हो सकता है, माइनस चार्ज इस सल्फर के साथ जा सकता है, इस सल्फर के साथ जा सकता है, तो दो दो के साथ क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग, तो दो दो के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, बराबर। Yes, sir. Sir, 2 और 3 में आपने कैसे कंपेयर किया, वो नहीं समझा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा 2 में, 3 में नहीं होगा, समझ गए सर। तो 3 में से तो कहीं से भी निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, फर्क नहीं पड़ेगा ना हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे माइनस आई है ना, माइनस आई नजदीक है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे माइनस आई स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा, दोनों सल्फर के साथ होगा, दोनों से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ना चार्ज, समझ गए। ओके सर। हाँ सर नहीं समझ गए, राइट। ये माइनस चार्ज जो है वो दो दो सल्फर के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये माइनस चार्ज एक ही सल्फर के साथ रेजोनेंस करेगा, ये ऑक्सीजन में रेजोनेंस नहीं हो सकता, खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है, ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये 1 में रेजोनेंस ज्यादा होगा, देन 2 देन 3 आफ्टर ड्रॉपिंग एच प्लस आयन, बराबर। यस सर। ये देखो ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो माइनस चार्ज आएगा, ये रिंग के साथ डीलोकलाइज होगा, इस रिंग के साथ भी डीलोकलाइज होगा, और ये माइनस आई है, माइनस आई क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो माइनस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इधर भी रेजोनेंस होगा ना, फास्फोरस की तरफ भी, इधर तो होगा ही, लेकिन फास्फोरस की तरफ होगा, इसमें हाइड्रोजन की तरफ नहीं होगा, ये ज्यादा स्टेबल है ना एनायन, बोलो। सो PH3 के यहाँ पे रेजोनेंस होगा और NH3 वाला माइनस आई होगा, माइनस आई होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल है। ओके सर। सर ये क्यों, ये नहीं समझा, अरे डोनर है ये, एक्सेप्टर है, ये डोनर एक्सेप्टर है, हां हां हां, इसमें एक्सेप्टर नहीं है ना नाइट्रोजन में। यस सर। बराबर, बोलो, समझा कि नहीं समझा? हां सर, हां सर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में अपना इंडक्टिव इफेक्ट आएगा ना, कहाँ पे,
सर वो फोर्थ का इसमें हाँ माइनस आई देखोगे ना, ये वाला तो बराबर ही है ना दोनों में, ये वाला तो पार्ट बराबर ही है, ये वाला तो बराबर ही है ना। हाँ सर, बस वो पीएच थ्री में वीकेंड ऑर्बिटल होने की वजह से बैक बॉन्डिंग होगा। यस 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 यस। अब देखो ये HCl है, HBr है, HF है, HI है, HCl, HBr, HI, HF। अब HI है डाउन द टॉप टू बॉटम जाते हो ग्रुप में तो क्या हो गया, साइज बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है ना एनायन की। यस सर। HCl, HBr, HF, HI में I ज्यादा स्टेबल है, I माइनस, क्योंकि I की साइज बहुत बड़ी है तो ज्यादा स्टेबल होगा। देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हैं, साइज देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज है तो माइनस चार्ज को ज्यादा एकोमोडेट करेगा, ज्यादा एकोमोडेट करेगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो HI की एसिडिटी की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा HI, HBr, HCl, HF बराबर। यस सर। यस सर। आप क्वेश्चन 4 फिर से समझा सकते हो? क्वेश्चन 4 में कुछ नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे माइनस चार्ज, NH3 है, यहाँ पे PH3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, ये देख H2O, H2S, H2T, H2SE डाउन द ग्रुप जा रहे हो, उससे टेपो तो वो ऑक्सीजन सल्फर ये है, तो इसमें क्या होगी, साइज किसकी बड़ी है, टी की ना। यस सर। देन टू देन वन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी, सेम फिफ्थ जैसा ही है ना, मतलब साइज बढ़ रही है तो साइज बड़ी होगी तो माइनस चार्ज ज्यादा एकोमोडेट करेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ सेम ही है। यस सर। है ना? हां सर। यस सर। ये देख 7 में देखो, ये हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो SO3 माइनस बनेगा, ये हाइड्रोजन बनोगे तो COO माइनस बनेगा, ये माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दो पे, दो। तो स्टेबल कौन सा हो गया, 1 के बाद 2 है ना। यस सर। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, 1 की देन 2 की। अब ये देखो PHOH है, PHSH है, ऑक्सीजन और सल्फर में साइज किसकी बड़ी है, सल्फर की ना, सल्फर। तो 4 के बाद 3 सही है सर। इसका yes, तो माइनस आई से भी हो सकता है ना, मतलब yes, ऐसे ही है ना। नहीं, ये जो सल्फोनिक एसिड है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, माइनस चार्ज। हाँ। तो एक माइनस चार्ज 3 ऑक्सीजन पे जाएगा। हाँ, वो sir, आपने बताया था रीजंस में। और इसमें क्या हो गया, इसमें इस पे जाएगा 2 ऑक्सीजन पे जाएगा, और इसमें तो क्या होगा, PHO माइनस है ना, और PHS माइनस है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, जानते हो, तो ज्यादा स्टेबल होगा S पे। हाँ, तो इसका इंडक्टिव से कुछ रिलेशन कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। ओके सर। सर, फर्स्ट टू आप बता सकते हो SO3H और COOH को कैसे कंपेयर किया? भाई ये माइनस चार कितने ऑक्सीजन पे जाएगा, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, यहाँ पे क्या होगा, डबल सिंगल माइनस, 2 पे ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ पे 3 पे जाएगा, तो स्टेबल कौन सा होगा, जल्दी बोलो, 3 वाला ना। आपने मुझे वो समझा सर कि 4-3 से ज्यादा और 1 का 2 से ज्यादा है सर, लेकिन वो 1-2 का 4-3 से ज्यादा है, वो कैसे आपको पता चला? भाई एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन सल्फर पे माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन 3-3 ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये ऑक्सीजन पे है, ये सल्फर है, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं, तो उनमें कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी, समझा? हाँ, साइज बढ़ेगी तो माइनस, थैंक यू सर, माइनस चार्ज को ज्यादा एकोमोडेट करेगा, ज्यादा स्टेबल है। हाँ, करेक्ट, यस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि कहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे, हम इसी हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे, हम क्यों ड्रॉप करेंगे इसको, इधर से क्यों नहीं ड्रॉप करेंगे, इधर से क्यों नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब ड्रॉप करेंगे तो जो एनायन बनेगा वो 2-2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मान लो ये माइनस चार्ज है, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, 2-2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना,
यस सर बोलो यस सर यहाँ पे जो माइनस है दो दो ऑक्सीजन पे ड्रॉप करेंगे समझा यहाँ पे जो माइनस चार्ज है दो दो ऑक्सीजन पे ड्रॉप करेंगे यहाँ पे माइनस चार्ज है वो कितने ऑक्सीजन पे ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा डबल सिंगल माइनस कितने हैं दो दो ना यस सर तो देखो अगर ये फॉस वाले का एनायन बनाएंगे तो ये बनेगा ये वाला सेकेंड वाले का एनायन बनेंगे तो ये बनेगा थर्ड वाले का बनाएंगे तो ये बनेगा फोर्थ वाले का बनाएंगे ये वाले का तो ये बनेगा बराबर तो मैं कह रहा हूँ कि जब एनायन बनाएंगे तो सब में रेजोनेंस सेम होगा ये वाला पार्ट तो सेम है ना यस सर ये वाला पार्ट तो सेम है ना बेटा बोलो बच्चों ये वाला पार्ट तो सेम है राइट ये वाला जो मैंने सर्किल किया है तो दो एक माइनस चार्ज दो ऑक्सीजन पे जा रहा है इसमें भी दो ऑक्सीजन पे जा रहा है इसमें भी दो ऑक्सीजन पे जा रहा है इसमें भी दो ऑक्सीजन बना रहा है जा रहा है तो अब देखो इसमें कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है इसमें एक प्लस आई ग्रुप है इसमें दो प्लस आई ग्रुप है इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है फोर में तीन ना तो तीन प्लस आई देंगे तो माइनस चार का मैग्नीट्यूड क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज तो क्या होगा स्टेबल या अनस्टेबल अनस्टेबल इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है एक या दो इस वाले में पहले वाले में है ना तो अनस्टेबल इसमें तीन है तो और ज्यादा अनस्टेबल इसमें एक है तो और कम स्टेबल है मतलब और थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस वन है ना यस सर और इसमें कोई भी प्लस आई नहीं है तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है नाइन है थर्ड का यस सर यस सर थर्ड के बाद टू का टू के बाद वन का वन के बाद फोर का थर्ड टू वन फोर यस सर सर मेरे को नहीं समझ में सर टू और थ्री के बीच का सर टू में और थ्री में यहाँ पे माइनस चार्ज बनाओ यहाँ पे माइनस चार्ज बनाओ टू ये हो गया थ्री ये हो गया दोनों में रेजोनेंस क्या हो रहा है डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल माइनस बराबर है ना हाँ सर अब टू में देख क्या है टू में क्या है एक प्लस आई ग्रुप है प्लस आई क्या करेगा डिस्टेबलाइज करेगा ना हाँ सर और थ्री में क्या एक भी प्लस आई नहीं है देख रहे हो हाइड्रोजन है ना सर थ्री में दो हाइड्रोजन है ना हाँ हाँ सर हाइड्रोजन कम प्लस आई ओके समझा सर आपने कैसे डिसाइड किया कि वो कहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करने का आपने क्या बताया मैंने ये इसलिए ड्रॉप किया यहाँ से कि ये माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पे सबसे ज्यादा यही से एनायन स्टेबल है ना तो इसीलिए यहाँ से ड्रॉप करेंगे यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो एक ही ऑक्सीजन पे जाएगा ना अच्छा ओके कॉमन सेंस हम इसी हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे इसी वाले हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है वो क्यों सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि दो दो ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर बच्चों yes, अब देखो जरा ध्यान सुनना ये उससे बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान सुनना ये वाला इसमें भी उसी कार्बन से हाइड्रोजन ड्रॉप किया इसका एनायन बनाया 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 राइट अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है समझना पड़ेगा आपको और आपको मैं समझा भी देता हूँ क्योंकि समझ में क्या हो जाए आ जाए सर वो थर्ड वाला पूरा नहीं दिख रहा है हाँ थोड़ा सा राइट में करोगे सर थर्ड वाला आ जाएगा कहाँ है थर्ड वाला पूरा अच्छा जूम है ना इसलिए सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो हल्का सा जूम सही है हाँ सर अब देख जरा ध्यान सुनना पहले वाला स्ट्रक्चर ये है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और इससे जो एनायन बनाएंगे वो ये बनाएंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये कौन सा ग्रुप है प्लस और देखो डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल माइनस ये क्या हो गया रेजो हो रहा है इसमें रेजो 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 इसमें भी क्या हो रहा है रेजो 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 दोनों में रेजोनेंस हो रहा है बराबर हाँ. अब जरा देखो ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो और क्या हो गया सी एच टू सी डबल बॉन्डो ओ सी एच टू सी एच थ्री
अब इसमें जो है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव बना है ना बराबर ना सही है। फिर देख सी एच थ्री सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री इसका एनायन बनाओगे तो क्या हो गया सी एच थ्री सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ माइनस चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री फिर इसका बनाओगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ इसका एनायन बनाओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस समझा के बता रहे हैं कि क्योंकि ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन नहीं आता बच्चों को सर इसके ऊपर वाले में राइट साइड में सिर्फ सी एच थ्री है किसमें ऊपर वाले में थर्ड वाले में सर राइट साइड में सिर्फ सी एच थ्री है ना सर सी टू एच फाइव सी टू एच आगे भी है राइट देखा नहीं सर ये देखो सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ और क्या हो गया एच है अरे सॉरी ये एच सी एच टू है ना इसका एनायन ये बन जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच तो देखो ये डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल सब में ये वाला पार्ट सेम है देख रहे हो ना ये वाला yes, बोलो sir. हाँ सर इसमें सब में सेम है ये वाला तो इसके बाद वो प्लस आई ग्रुप से कंपेयर करेंगे ना चुप रहे ना तू मास्टर में ये तुम सॉरी सर बहुत बोलता है बीच बीच में मत बोला कर सबको समझने दे बहुत सारे बच्चे हैं समझा कर बातों को अब क्या है देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा प्लस आई है ना प्लस आई क्या करेगा देगा ना तो डी स्टेबलाइज होगा यहाँ पे प्लस आई कितने हैं दो हैं तो दोनों देंगे तो ज्यादा क्या होगा स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस आई है और ये प्लस आर है प्लस आर ग्रुप है अभी मैं समझाता हूँ वो समझ में नहीं आया होगा ये दोनों प्लस आर है देखो जरा ये देखो यही वाला नहीं समझ में आएगा और सब तो समझ में आ जाएगा तुम्हें ये सी एच माइनस है ना इसीलिए मैंने इतना लिखा है ओ सी टू एच फाइव ये मैं प्लस आर क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक है देखो ये प्लस आर क्यों बोल रहा हूँ देखो डबल सिंगल लोन पेयर है ना तो ये क्या करेगा डोनेट करेगा ये माइनस चार डी लोकलाइज होकर इसी का ऑक्सीजन में पहुंचेगा ना इसी ऑक्सीजन पहुंचेगा बोलो भाई हाँ सर yes, yes, और इस ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है उसको ये क्रॉस कॉन्जुगेशन से डी स्टेबिलाईज करेगा डबल सिंगल लोन पेयर है ना तो लोन पेयर भी क्या करेगा इधर से डी लोकलाइज होगा और उसी ऑक्सीजन पे क्या करेगा माइनस चार के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा है ना बोलो हाँ सर तो जो एसिड एनायन है उसको ओ सी टू एच फाइव का क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज अब यहाँ पे दो दो हैं दूसरे वाले में ओ और क्या हो गया सी डबल बॉन्ड थर्ड वाले में सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सी टू एच फाइव अब यहाँ दो दो प्लस आ रहे हैं दोनों प्लस आर क्या करेंगे प्लस आर स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज ये गया यहाँ पे और ये भी वहीं पे इसी ऑक्सीजन पे क्या हो गया माइनस चार के मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे ना सर वो कैसे डीस्टेबलाइज कर रहा है एक बार बता अरे सर वो एक बार बता दें चार कॉमन सेंस कॉन्जुगेशन की वजह से ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे जा रहा है ना यस सर और ये भी माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे जा रहा है यस और डबल सिंगल लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा देगा ना इधर तो उसी ऑक्सीजन पे क्या करेगा माइनस चार्ज बढ़ा रहा है ना ओके समझ गया इसी ऑक्सीजन पे ये प्लस आर क्या कर रहा है अंडरस्टूड माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है ना सर दो दो प्लस आर ग्रुप क्या कर रहा है इस ऑक्सीजन में माइनस चार का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है तो क्या हो गया अनस्टेबल
इसमें एक प्लस आर बढ़ा रहा है तो थोड़ा सा स्टेबल होगा, इसमें एक प्लस आई है, इसमें दो दो प्लस आई है तो दो दो प्लस आई डी स्टेबलाइज कराएगा, इसमें एक प्लस आई डी स्टेबलाइज करेगा, इसमें कुछ भी नहीं है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वन टू थ्री फोर फाइव में फाइव सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है जिससे बना है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा ना सर, आप प्लस आर और प्लस आई वाले में कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं सर? वो मतलब अरे भाई रेजोनेंस डोमिनेट होता है ना, कॉमन सेंस बेटा। हाँ सर, दोनों अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस आर अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है, वहाँ पे प्लस आई अनस्टेबिलिटी। बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो, किस ब्रांच से हो तुम, किस सेंटर से हो? बोरीवली। मैंने क्या बोला है? प्लस आर डोमिनेट होता है, रेजोनेंस डोमिनेट होता है इंडक्टिव से ना। यस सर। तो प्लस आर अगर डोमिनेट हो गया, रेजोनेंस डोमिनेट हो गया तो क्या होगा? ज्यादा डी स्टेबलाइज करेगा ना। हाँ सर, कॉमन सेंस है इसमें क्या रे? रेजोनेंस प्लस आर का मतलब रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस इज नॉर्मली डोमिनेटेड ओवर इंडक्टिव हाइपर ना, पहले रेजोनेंस होगा yes, उसके बाद हाइपर उसके बाद इंडक्टिव। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्लस आर है तो प्लस आर से डिस्टेबलाइज हो रहा है ये दोनों, और ये प्लस आई से दोनों डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो रेजोनेंस डोमिनेट होता है ना, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा ना, प्लस आर का मतलब डोनेट कर रहा है। तो सर ओ पे माइनस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इसलिए वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, डिस्टेबलाइज। और किसके कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है, मैग्नीट्यूड कौन बढ़ा रहा है? CH3 CH2O लोन पेयर ये बढ़ा रहा है ना, प्लस आर ग्रुप है ना सर। सो वो CH माइनस का क्या रोल है इसमें? कुछ नहीं, वो एसिड है ना, है ना, और क्या रोल क्या उसका? कुछ नहीं सर। आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है सर। हाँ हाँ, एसिड 9 है ना, एसिड 9 क्या है? एसिड 9 है, वो जो हाइड्रोजन ड्रॉप करके जो एनायन बनाओगे वही एसिड 9 है, राइट? बराबर। अपने अपने वो एरोस ड्रॉ किए है ना दोनों साइड में CH माइनस के, तो वो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। कौन सा क्या नहीं समझ में आ रहा है यार, बुद्धू जैसे बात करते हो तुम। डबल सिंगल माइनस चार है, डबल सिंगल माइनस चार है, माइनस चार दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। हाँ सर। और ये प्लस आर उसी ऑक्सीजन पे माइनस चार का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, ये भी प्लस आर उसी ऑक्सीजन पे माइनस चार का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा वो, तो ज्यादा अनस्टेबल होगा, प्लस आर का पावर ज्यादा होता है, कॉमन सेंस। अरे डबल सिंगल माइनस, अरे डबल सिंगल माइनस, दोनों ये माइनस चार दो दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक माइनस चार, और ये प्लस आर ग्रुप क्या कर रहा है उसी ऑक्सीजन पे, दोनों ऑक्सीजन पे माइनस चार के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। ओए समझ गए सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या है इसमें? अगर तेरे को ये दे दिया जाए सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू माइनस चार, ये देख, अभी तुमको उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने सॉल्व कराया था ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा जल्दी बताओ मेरे को, 1 2 में। बुकलेट का क्वेश्चन था, बोलो टू वाला स्टेबल। अब देखो इसमें, देखो डबल सिंगल माइनस चार है, ये डीलोकलाइज होके कहाँ पे जाएगा? कार्बन पे जाएगा ना। यस सर। यस सर। और ये डीलोकलाइज होके कहाँ पे जाएगा? डबल सिंगल माइनस डीलोकलाइज होके कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या कार्बन की? सर ऑक्सीजन की। तो स्टेबल कौन सा होगा? टू वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। भाई ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ना, राइट? ये उस दिन क्वेश्चन पूछे थे बुकलेट का, यही तो है, याद आ रहा है? हां सर। पर उधर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है ना, तो उधर नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, हु से, किसने बोला? तो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगा ना, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा कम हो जाएगा, वो तभी होगा जब
क्या होगा, एटम सेम होंगे, जब डिफरेंट एटम है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये माइनस चार्ज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, माइनस 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 कार्बन पे, ये माइनस चार्ज कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। वापस CH3 भी तो है ना, वो फिर प्लस आई है ना। हाँ लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा स्टेबल है, डिफरेंट एटम है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन व्हाट, वन ऑक्सीजन एंड वन कार्बन एटम, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मोर देन व्हाट, बोलो कार्बन, कार्बन। ये तुम्हारे बुकलेट का, तुम्हारे सर इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया ना, तो बुकलेट का क्वेश्चन है ये, इसमें वो भी ऑप्शन दिया है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये भी ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन दिया है उसमें, उस दिन तुम लोग पूछ रहे थे, हमको याद है CH3 कुछ ऐसे था, दोनों में स्टेबल कौन है जल्दी बोलो। अब इसमें रेजोनेंस देखो, डबल सिंगल माइनस ऑक्सीजन पे जाएगा, डबल सिंगल माइनस ऑक्सीजन पे जाएगा, लेकिन ये प्लस आर से क्या होगा, स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज होता है ना, प्लस आर ग्रुप कौन सा प्लस आर का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अब प्लस आर ज्यादा देगा, प्लस आर डोमिनेट का मतलब रेजोनेंस डोमिनेट हो गया, रेजोनेंस ने इलेक्ट्रॉन इधर दिया, दिया तो माइनस चार का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, और प्लस आई ने दिया, हाँ वन इज ग्रेटर देन टू, ये प्लस आई ने दिया, ये प्लस आर ने दिया, तो प्लस आई का पावर कम है, प्लस आर का पावर ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, स्टेबल कौन सा होगा, वन इज ग्रेटर देन टू, यस सर, बाय इंडक्टिव इफेक्ट टू इज मोर स्टेबल देन वन ना, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से अगर हम करेंगे तो टू मोर स्टेबल रहेगा ना वन से, नहीं नहीं ये इंडक्टिव इफेक्ट से डीस्टेबलाइज हो रहा है, ये रेजोनेंस इफेक्ट से डीस्टेबलाइज हो रहा है, तो रेजोनेंस क्या है, तगड़ा इफेक्ट है ना, तो ये ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा ना, नॉर्मली रेजोनेंस इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर देन इंडक्टिव ना बच्चों, यस सर, यस सर, ये बुकलेट का क्वेश्चन तो है, उस दिन जो पूछा था आपने वही है, मैंने बोला था ना आगे आएगा, हाँ सर समझ गया सर, ये बोल सकते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो दो कंपाउंड में अगर सेम एटम पे होता है तो हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, और अगर डिफरेंट एटम पे होता है तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ जब डिफरेंट एटम पे माइनस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, हाँ, और वरना सेम आएगा तो मैग्नीट्यूड, रेजोनेंस देख लो जितना ज्यादा होगा, ठीक है सर, अगर डिफरेंट एटम हुआ और एक का ईएन ज्यादा हो तो आपने बोला कि उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना, आपने ऐसा बोला ना, क्या डिफरेंट एटम, मैं बोल रहा हूँ सर अगर ये आपने अभी बोला ना डिफरेंट एटम होगा तो कंपेरिजन डिफरेंट क्या जरा बताओ तो सर, मतलब ओ और एन एटम, डिफरेंट एटम पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम सर, जैसे कि O और N आपने बोला ना अभी, आप इसके पहले वाले एग्जांपल बता रहे थे, CH3 जरा बताओ, मेरे को नहीं मालूम, ये बताओ कौन सा स्टेबल होगा जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग चलाएं तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ये तो मैं जानता हूँ, 3-2-1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, अब बताओ कौन सा ज्यादा इससे बताओ सर, थर्ड वाले में CH2 में माइनस है ना चार्ज, O3 2 बोल जल्दी कौन सा ज्यादा इससे होगा, अब ये माइनस चार्ज दो दो ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये माइनस चार्ज एक, ये एक नाइट्रोजन पे जा रहा है, ये कार्बन पे जा रहा है, तो पहले दो दो ऑक्सीजन पे जाएगा तो सबसे ज्यादा इससे वेल, उसके बाद एक ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा इससे वेल, उसके बाद एक नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इससे वेल, उसके बाद ये वाला, हाँ सर मैं ये बोल रहा था सर, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन का एक बार रिपीट कर सकते हो, हाँ
मतलब ये डीलोकलाइज होकर नाइट्रोजन पे जा रहा है, ये डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है तो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ भाई यही पूछ रहा था, ये पूछ रहा था। थैंक यू सर। सर आप वो पहला वाला क्वेश्चन बता सकते हो क्यों? ये भी ये देखो ये डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे जाएगा, ये डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे जाएगा, लेकिन ये प्लस आई क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। ये कौन डिस्टेबलाइज करेगा? डबल सिंगल लोन पेयर प्लस आर है ना, ये OC2H5 प्लस आर डिस्टेबलाइज करेगा, ये प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा, तो प्लस आर क्या करेगा? ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना। अच्छा yes. ये देखो इधर यहां से ड्रॉप करोगे तो ये माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये वाला हो गया तुम्हारा। फिर देखो यहाँ से ड्रॉप करो माइनस चार्ज, यहाँ से ड्रॉप करो माइनस चार्ज, यहाँ से ड्रॉप करो माइनस चार्ज, यहाँ पे ड्रॉप करो माइनस चार्ज। सर कैमरा ऑफ, स्क्रीन स्क्रीन। हाँ हाँ चलो यहाँ पे माइनस चार, यहाँ पे माइनस चार, यहाँ पे माइनस चार, यहाँ पे माइनस चार। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला सर। यस सर, उसमें दो NO2 है, माइनस दो पे डिस्ट्रीब्यूटर है सर, उसका नेगेटिव कम कर देगा ना ऑक्सीजन का। हाँ हाँ, उसके बाद इसमें एक NO2 है ना सर, थर्ड वाला। थर्ड फोर्थ में कौन सा होगा? थर्ड फोर्थ में थर्ड थर्ड सर, क्योंकि वो प्लस आर आ रहा है, प्लस आर तगड़ा वाला पावर है। हाँ प्लस आर से डिस्टेबलाइज है, बराबर ना सर? NO2 प्लस आर नहीं बनेगा इधर? अरे माइनस आर है ना NO2 है। अरे क्या लोन पे है, तू भी कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोलता है। अभी क्लास में जब NO2 को लिखवाया माइनस आर, ए डबल बॉन्ड भी है, तब क्यों प्लस आर बोलते हो यार? पिटोगे मेरे हाथ से, जल्दी से खुल जाए क्या लॉकडाउन? एन डबल बॉन्ड हो और ओ राइट, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, मैंने माइनस आर है ना, माइनस आर बताया था। तुम लोग लेक्चर को रिवाइज नहीं करते हो क्या? NO2 माइनस आर है। हाँ सर। ओए ऐसी गलती मत कर बेटा, ये सब छोटी चीजें होती हैं। अब पढ़ाने के बाद ये तो चीज बता सकते हो, ये माइनस आर है ना, ये है डबल बॉन्ड भी है। हाँ सर। बहुत छोटी चीज है, जो पढ़ लिया है उसमें नहीं कर रहे, जो नहीं जानते हो वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन जो पढ़ा है इसीलिए बार बार कहते हैं, जिसका अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बार बार नोट्स और तो मेरे से डिस्कस भी कर ले, कहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक का 40% का हार्ट लिवर किडनी है ये सब, ये आएगा तब आगे बहुत बढ़िया कर लोगे। ये हाइड्रोजन ड्रॉप करो, इसमें माइनस चार्ज ला दो, देख रहे हो ना? Yes, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे माइनस चार्ज लोगे तो इधर थोड़ा ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, इधर से भी देख रहे हो ना, ये जोड़ दिया मैंने इधर से, प्लेनरिटी भी हो जाएगी और क्या होगा, बहुत ज्यादा रेजोनेंस होगा, एग्जॉस्टिव रेजोनेंस होगा, देख रहे हो ना ये? Yes, तो इसमें रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें रेजोनेंस थोड़ा कम होगा, तो स्टेबल कौन सा होगा, वन या टू? बराबर सर, मतलब जब रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है तभी वो इंडक्टिव से ज्यादा स्टेबलाइज करता है, जब डीस्टेबलाइज करता है तभी इंडक्टिव से ज्यादा डीस्टेबलाइज करता है। अब पता नहीं तुम इतना कंफ्यूजन लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, मतलब क्या होता है? प्लस आर ग्रुप है तो एनायन को क्या करेगा? डीस्टेबलाइज। प्लस आर ग्रुप है, कैटायन होगा तो क्या करेगा? स्टेबलाइज। माइनस आर अगर होगा तो एनायन को क्या करेगा? स्टेबलाइज राइट। और प्लस आर है तो माइनस चार्ज को क्या करेगा? डीस्टेबलाइज। लेकिन इधर से थोड़ा ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, ये दोनों कनेक्ट कर दिया तो, देख रहे हो? उधर कनेक्ट नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा स्टेबल ज्यादा, समझ गया समझ गया। ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करो तो ये वाला 1 2 3 जरा कर दो, करो करो करो।
हाँ, अब ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो ये N9 बनेगा, इसमें ड्रॉप करोगे इस वाले में तो ये N9 बनेगा, तो इसके दो दो क्रॉस कंजुगेशन से क्या होगा, स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज ना, डीस्टेबलाइज। और इसमें कितने से डीस्टेबलाइज होगा, एक से ना? बोलो यार, एक से डीस्टेबलाइज होगा मतलब एक प्लस आर ग्रुप से डीस्टेबलाइज होगा, ये प्लस आर है ना, और यहाँ पे प्लस आर ग्रुप नहीं है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, वन वन के बाद टू, टू के बाद थ्री। सर तो इसमें वो प्लस आर और अनायन है, तो जो सेकंड और थर्ड है सर उसमें वैसे कंपेयर किया और फर्स्ट में है ही नहीं, मतलब फर्स्ट वाला सेफ है तो फर्स्ट आ गया ना। हाँ फर्स्ट वाला सर, जैसे अब तुम अपना दिमाग लगा सर, आपने हमें लिखा है भी तो था ना कि एक्स पेंसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर ग्रुप। हाँ तो क्या करें, प्लस आर अगर हो तो देता है ना, देता है तो क्या हो गया। अच्छा तभी आप उसका रीजन बता रहे हो कि क्यों ऐसा होता है कि क्यों प्लस आर, बहुत सारे रीजन बताए भाई, मैं बहुत सारे रीजन बताऊंगा अभी आपको। अच्छा ओके सर, क्वेश्चन कैसे करोगे जब तक ये नहीं आएगा तब तक नहीं करोगे ना डियर फ्रेंड। लुक हियर, देखो ये देखो, एक सॉल्व करो, देखे तुम्हारा दिमाग कितना तेज हो गया, मैंने तेज बनाया या नहीं बनाया ये भी पता चल जाएगा। अब और एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना देंगे ना, एक मिनट। एच ये वन है, ये टू है, थ्री है, बोले सर टू फाइव, सर टू आएगा, सर नहीं रुकना, जो जितना जल्दी बोल रहा है उसका उतना जल्दी गलत हो रहा है। अरे रुको, हाँ इसलिए पहले सोचो और चैट पे लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा, बोलो बात। बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है, बहुत लोगों ने थोड़ा सा गलत किया है, और कुछ लोगों ने सारा गलत किया है, जो 25 बोल रहा है ना, 256341 वो सबका गलत है, 25 जो 54 बोल रहा है ना वो सब 56 वाले का सबका सही है, 5 होगा पहले उसके बाद 6 होगा, 5 उसके बाद 6 उसके बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 होगा, 1 ये, और उसके बाद 2 होगा, 1 2 में ही दिमाग लगाना है, इसका प्लस आर पावर ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा NH2 का, और इसका प्लस आर पावर क्या है, कम है, पावर लिखवाया है मैंने, है ना? Yes, sir. सर तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा दोनों, कौन सा 2, ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम डिस्टेबलाइज करेगा, समझा? एक बार प्लस आर पावर का ऑर्डर बता सकते हैं? वो लिखवा चुके हैं बेटा तुम्हें, सर कौन सा ऑर्डर है आप एक बार ओरली बोल सकते हैं फिर मेरे को याद आ जाए। आप देखो ना, आप चेक करो कॉपी, चेक करो कॉपी, कॉपी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिखा है ना वहीं पे, सर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं पढ़ा है ना? नहीं सर, नहीं किया, नहीं पढ़ा है,
अच्छा अभी नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, ऑर्डर नहीं पढ़ा है। हाँ तो अभी आ जाएगा, इसलिए सर वो गलत होता है, ये वो इसीलिए आएगा, अभी आ जाएगा, घबराओ मत। अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लो, अभी आ जाएगा। राइट, ये देखो ये प्लस ये 5643 और ये सब तो वही लॉजिक है जो तुम अभी किए हो कि क्रॉस कंजुगेशन से डी स्टेबलाइज होगा, ये प्लस आई से डी स्टेबलाइज हो रहा है। और ये जो सर मैंने ये लॉजिक लगाया कि इधर ओ पे माइनस चार जाएगा और इधर एन पे, तो सब में माइनस सब में देखो ये यहीं पे होगा, सब में बराबर है, यही है। सर मैं वो प्लस आर के ऑर्डर के बारे में पूछ सकती हूँ? अभी प्लस आर में बताऊंगा। नहीं सर, यहाँ पे एन जो डिस्टेबलाइज करेगा वो ऑक्सीजन से कम रहेगा ना, ऐसे मेरे को लगा क्योंकि एन कम इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, एन का प्लस आर पावर ज्यादा इसलिए है क्योंकि एन कम इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। हाँ, तो प्लस आर पावर ज्यादा होगा। राइट, ओके सर, वो नोट्स में है ना बाद में, अभी है, अभी आज ही होगा। प्लस आर के ऑर्डर में NH2 नहीं था, अभी आएगा यार, प्लस आर अभी नहीं बताया है, ऑर्डर नहीं बताया है। ठीक है सर, वो 5634 का ओरल एक बार लॉजिक बता सकते हो? ओरल पे वो तो प्लस आई, क्यों ओरली बताएं? ये देखो ना, प्लस आई है ना, प्लस आई एक है, अच्छा इसमें दो दो प्लस आई है। अच्छा सर, तो ओके सर, जितना कम इसमें जीरो प्लस आई है। हां करेक्ट सर। सर सर एक डाउट है सर, एच को प्लस आई में गिनने का कि माइनस आई में, दोनों में? एच क्या है, कुछ नहीं है ना, एच का कुछ नहीं है सर, लेकिन वो आपके नोट्स में माइनस और माइनस और प्लस दोनों में ऑर्डर में है, वो तो गिनने का नहीं है। गिनने का नहीं हो तो जीरो है ना, विद रेफरेंस टू किसके, उसी के रेफरेंस से लिखते हैं। अब देखो इधर सुनो, एसिडी किसने, कुछ नहीं, उसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, यहाँ से दिमाग और लगाना है, जरा ध्यान सुनना सारे लोग, सुनो बहुत अच्छी तरीके से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स depend on comparative study of following factor, electronic effect, electronic में resonance, inductive, hyper आता है, and other factor में क्या आता है, hydrogen bonding. normally resonance is dominated over what, hyper then inductive, resonance तगड़ा effect है then hyper then inductive, normally, समझा ना? electronic effect मतलब resonance, hyper, inductive, तगड़ा कौन सा होता है, resonance then hyper then inductive, okay? बच्चों ओके, देखो सुनो, ये फिनॉल दिया, ये पैरा नाइट्रो फिनॉल दिया, ये पैरा मिथॉक्सी फिनॉल दिया, राइट? तो सबसे पहले जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है, यही वाला हाइड्रोजन है, यही वाला हाइड्रोजन है, यही वाला हाइड्रोजन है, सबसे एसिडिक है, उसको ड्रॉप कर देंगे। हियर वी मेक ए नाइन, हियर वी मेक ए नाइन, हियर वी मेक ए नाइन, और ये देखो डॉट डॉट डॉट, ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, बराबर हो गया, सब में रेजोनेंस बराबर हो रहा है, देख रहे हो ना? बोलो सर। अब देखो ये NO2 कौन सा ग्रुप है, माइनस आर माइनस आई, बराबर ना? हाँ, तो डोमिनेट कौन सा होगा, माइनस आर है माइनस आई, माइनस आर, माइनस आर। ये कौन सा ग्रुप है, ओ सी एस थ्री, प्लस आर माइनस आई ना? यस सर, लोन पेयर है तो प्लस आर है, अब प्लस आर डोमिनेट होगा माइनस आई से ना? यस। अब देखो जब ओ सी एस थ्री का प्लस आर बनाओगे, रेजोनेंस बनाओगे, तो जहां पे लोन पेयर है उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या ऐसा चार जाएगा, माइनस माइनस माइनस, चार रेजोनेंट के स्ट्रक्चर बनेंगे। यस सर, यस सर, ये मालूम है ना? अगर इसका रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे OCH3 का, तो ऑर्थो पे कैसा चार जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ऑर्थो पैरा पे। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। नहीं सर, आ रही है सर, आ रही है सर। पहले ये समझा कि नहीं समझ आया कि कैसे माइनस 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 बना रहे हैं, बोलो। सत्यानाश लग रहा है बताना, प्लस इतने बड़े बड़े बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखो लोन पेयर मेहनत नहीं कर रहे हो तुम लोग, लोन पेयर है, मैंने सिखाया था ना कि यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है अगर कोई ग्रुप है जो प्लस आर ग्रुप है। मैन ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, फिर ये डीलोकलाइज होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे ना? हाँ सर। ये सिखाया नहीं है तेरे को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना रहे थे तो कह रहे थे कि क्यों सर इतना बनाना पड़ेगा, अभी क्यों नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे। डबल बॉन्ड हो, प्लस चार्ज, सी ए थ्री,
फिर 800 पे कैसे जा रहे हैं माइनस ना, बोलो भाई। यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो अगर ओस माइनस आ जाए तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि OCS3 का अपना रेजोनेंस शो करेगा तो माइनस 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 चार्ज आ गया, वही वाले चार स्ट्रक्चर जो अभी बनाए थे, समझा? यस सर, हाँ सर। तो ये माइनस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज? अब ये NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस आर माइनस आई है ना, तो इसका स्टेबलाइज कर देगा, तो प्लस 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 है ना, तो प्लस चार माइनस चार को क्या करेगा, स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज? स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 ना? हां सर। उसके बाद कौन सा है, 1 ना? 1। हां सर। उसके बाद 3 ना? हां सर। अच्छा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, 2 1 3? हां सर, बराबर। यस सर। अब सुन इधर बच्चों, अब मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अभी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग भी सिखा दूंगा। देखो इधर OH जो है, ऑर्थो पे लगाओ, मेटा पे लगाओ, पैरा पे लगाओ और एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है? ये ग्रुप है, ये लगाने हैं। यहाँ पे मैं ऑर्थो मेटा पैरा का पीके वैल्यू दूंगा, अभी दूंगा आपको, है मेरे पास डेटा, ये डेटा है। इसके बाद ये ऑर्थो पे लगाया, मेटा पे लगाया, पैरा पे लगाया और ये फिनॉल है, इसका 9.98 पीके है। ग्रुप लगाया मिथाइल तो इतना पीके, ये इतना पीके, इतना पीके, मतलब जिसका पीके कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। कौन सा, मेटा, उसके बाद पैरा, उसके बाद ऑर्थो। इसमें क्या होगा, एनोडो के साथ पैरा व्हाट, ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, फ्लोरो में ऑर्थो मेटा पैरा, क्लोरो में ऑर्थो मेटा पैरा, मिथॉक्सी में सर मेटा पैरा और ऑर्थो, और इसमें क्या हो गया, मेटा मेटा ऑर्थो पैरा, इसमें भी हो गया, उसी तरह बता देना। अब तुम पूछोगे मेरे से ये डेटा याद करना है क्या, नहीं, मैंने डेटा क्यों लिखा है, समझाने के लिए, मैं थ्योरी से एक्सप्लेन करूंगा और ये डेटा मैच होगा, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों मैच होगा, राइट? तो ये जो डेटा है याद करना है क्या, नहीं, हमको इसको समझाएंगे तुमको थ्योरी से, समझा? बोलो। हाँ सर, यस सर। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर निकालने के लिए बस आपने वो डेटा दिखाया ना, डेटा दिया है, अब वो एक्सपेरिमेंट से किया तो सुनो एक्सपेरिमेंट से किया तो वो डेटा आया, ठीक है ना बच्चे? यस सर। लेकिन हम थ्योरी से उसी को प्रूव कर देंगे, बराबर? हाँ सर। देखो अब देखो इधर बराबर, तो अब देखो इधर ये फिनॉल है, फिनॉल नाइट्रो है, फिनॉल मिथाइल है, फिनॉल मिथॉक्सी ग्रुप है, फिनॉल क्लोरो ग्रुप है, फिनॉल है केवल। अब इसका एनायन बनाओ, इनका एनायन बनाओ, तो माइनस आर माइनस आई से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा ना? हां सर, हां सर। ये प्लस आई से क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा ना? यस सर। ये प्लस आर से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज? डीस्टेबलाइज। और हैलोजन में माइनस आई देखेंगे तो ये क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा ना? हां सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 1 के बाद 4 4 के बाद 5 5 5 के बाद 2 2 के बाद 3 में माइनस आर है ना, माइनस आर सर, माइनस आई है, इसलिए 1 ज्यादा है सर। वो सेकंड वाले में CH3 है सर, तो आपने उसको अब ये प्लस आई लिया सर, वो आर वाले टर्म्स में क्यों नहीं लिया सर? अब भाई वो रेजोनेंस कहां हो रहा है, मेरे को डॉगी ने थोड़े काटा है कि मैं उसमें रेजोनेंस लेंगे, अरे भाई ये ग्रुप कहाँ रेजोनेंस में है? अच्छा, ग्रुप देख रहे हैं, ओके, और क्या देख रहे हैं? समझा कि नहीं समझा? हाँ तो सर वो फर्स्ट वाला फिर कैसे? हाँ फर्स्ट वाला कैसे, वैसे ही जैसे आपको मैंने बोला था कि आप ये काम करो, एन डबल बॉन्ड हो, ओ क्या है माइनस आ रहा है ना, ए डबल बॉन्ड भी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ गया। फिर पिटोगे मेरे यहाँ से तुम किसी दिन बहुत लंबा। सर थर्ड वाला नहीं सर, समझ गया, थैंक यू सर। सर तो फर्स्ट और फोर्थ में कैसा है डिफरेंस, किया सर आप वापस बताओ। ये माइनस आई है, ये माइनस आर है, अभी इसका मैं बता रहा हूँ ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये माइनस आर है, एन डबल बॉन्ड होगा रेजोनेटिंग, एन इसका स्ट्रक्चर यही होता है ना नाइट्रो ग्रुप का, आपने आपने सीखा है। हाँ सर। ये ए डबल बॉन्ड भी है, माइनस आर है ना, और हाँ। ये माइनस आई की तरह एक्ट करता है क्लोरो ग्रुप। अच्छा ओके 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 ठीक है सर, वो मैं अभी सिखा देता हूँ ये क्लोरो ग्रुप का क्या है। क्लोरो ग्रुप में सर थर्ड वाले में क्या होगा, प्लस आर है, अभी तो सिखाया है, लोन पेयर है ना, तो OCS3 कौन सा ग्रुप है, प्लस आर है।
डिस्टेबलाइज करेगा, ये प्लस आई से डिस्टेबलाइज करेगा। मैंने हाइपर भी लिखा है लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये यही क्वेश्चन, आगे पढ़ाएंगे तो। अब जरा इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये बता दूं कि और अच्छी तरीके समझ में आ जाए। रेजोनेंस इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर देन इंडक्टिव, ये जानते रहना। नॉर्मली रेजोनेंस इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर देन इंडक्टिव, पहले ये जान लो तो और अच्छा रहेगा। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और प्लस आर का ऑर्डर क्या हो गया, माइनस आर का ऑर्डर क्या होगा, ये भी जान लो। द ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग। बेंजीन है, बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, ग्रुप लगाने से रिंग पे डेंसिटी बढ़ जाए ना, इस रिंग पे डेंसिटी बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। बराबर बराबर, मतलब डोनेटिंग ग्रुप्स में आएंगे ना। हाँ, कोई भी प्लस आई प्लस आर कोई भी ग्रुप, ठीक है। यस सर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन जरूर करना, बेंजीन के रिस्पेक्ट में बढ़ना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली ऑल प्लस एम प्लस आर ग्रुप आर एक्टिवेटिंग, प्लस आर जितने भी होते हैं ना प्लस एम ग्रुप सब एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब जिसके ऊपर लोन पेयर होगा ना की एटम के ऊपर वो सारे प्लस एम प्लस आर हैं, सारे एक्टिवेटिंग हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हैलोजन्स एंड सम अदर्स। हैलोजन्स आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई पावर इज ग्रेटर देन प्लस आर पावर, मतलब माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर प्लस आर। देखो इधर डोमिनेंट कैसे होगा। हाँ, रुको रुको सुनो ना मेरी बात, तुम लोग हमारे पहले एक्सप्लेन ही नहीं करने देते हो, अपने ही बोलने लगते हो, तो आप लोग टीचर वाला काम मत करिए, पहले सुनिए, गुड लिसनर बनिए आप, राइट। तो मैंने ये बताया कि जो ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग। जैसे बेंजीन है और इस पे ग्रुप लगा दिया और ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर वन और टू में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे किस में होगा, तो क्या बोलोगे, वन का या टू? टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना। यस सर, यस यस। अब देखो हैलोजन के केस में नॉर्मली मैंने क्या बोला है कि रेजोनेंस इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर एंड इंडक्टिव, नॉर्मली यही होता है, रेजोनेंस देन हाइपर देन इंडक्टिव, हर जगह यही हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे माइनस आई या इंडक्टिव भी डोमिनेट होगा, जैसे अगर बेंजीन से हैलोजन अटैच कर दो तो हैलोजन क्या है, प्लस आर ग्रुप, लोन पेयर है ना तो प्लस आर है, और हैलोजन क्या है, माइनस आई, तो माइनस आई इतना तगड़ा है कि ज्यादा अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। माइनस आई का मतलब इस सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन, प्लस आर का मतलब ये लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन, तो माइनस आई पावर डोमिनेटेड ओवर प्लस आर, मतलब माइनस आई बहुत तगड़ा है इन कंपैरिजन टू प्लस आर। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि प्लस आर नहीं है, प्लस आर भी है, देखो ये डोनेट कर रहा है, मतलब लोन पेयर को डीलोकलाइज करेगा। तो हैलोजन की केस में क्या होता है, माइनस आई इज डोमिनेटेड ओवर प्लस आर, मतलब अगर हैलोजन लगा दिया तो विड्राइंग पावर ज्यादा है, विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन करोगे तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हेलो बेंजीन में कम है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग वन का ज्यादा होगा टू से। तो वही मैंने लिखा है कि हैलोजन्स आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर प्लस आर, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है कि हैलोजन के केस में होता है, सबके केस में नहीं होता है। नॉर्मली रेजोनेंस इज डोमिनेटेड ओवर व्हाट, हाइपर देन इंडक्टिव, लेकिन जब हैलोजन अटैच हो ना तो हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, ये माइनस चार्ज बनाया था इसका, तो ये NO2 मैंने बताया था माइनस आर माइनस आई से क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, ये प्लस आई से डी स्टेबलाइज कर रहा है, ये प्लस आर से डी स्टेबलाइज कर रहा है। हैलोजन जैसे लगाया बेंजीन पे तो मैंने क्या दिया, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर लिखा है ना, मतलब ये प्लस आर भी है और माइनस आई भी है, लेकिन माइनस आई क्या कर रहा है, पुलिंग कैपेसिटी क्या है ज्यादा है, विड्रॉइंग कैपेसिटी क्या है ज्यादा है, इसीलिए लिखा था, और इसमें कुछ भी नहीं है, देख रहे ना,
सबसे ज्यादा स्टेबल वन हो गया, वन के बाद हम फोर को देंगे क्योंकि माइनस आई पावर इसमें डोमिनेट होता है, उसके बाद फाइव, उसके बाद ये प्लस आई से डी स्टेबलाइज होगा, ये प्लस आर से डी स्टेबलाइज होगा, तो मैंने वन दिया ड्यू टू माइनस आर, माइनस आई स्टेबलाइज करेगा। हैलोजन के केस में हम क्या लेते हैं, माइनस आई, माइनस आई क्या है, डोमिनेट करेगा किस पे ऊपर, प्लस आर के ऊपर, तो ये स्टेबल है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। इन दोनों में प्लस आर ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये प्लस आई कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो फाइव के बाद टू, टू के बाद थ्री, बराबर? हाँ बराबर, सही है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि हैलोजन्स के केस में अगर हैलोजन्स अटैच हो बेनिन रिंग से तो उसको हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेनिन, मतलब वो देता भी है और विड्रा भी करता है, लेकिन विड्राइंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, लोन पे डीलोकलाइज होगा तो प्लस आर, और ये सिग्मा बॉन्ड की जो पोलरिटी होती है, हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो क्या है, माइनस आई, तो माइनस आई पावर इसमें ज्यादा है, हमारी बात समझा, मतलब अगर बेनजीन और हेलो बेनजीन ले लो और पूछा जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगा, तो बेनजीन में होगा, हेलो बेनजीन में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हेलो ग्रुप लगने से विड्राइंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई, तो रिंग पे डेंसिटी क्या होगी, कम, बराबर? सर ये क्लोरीन जब बेंजीन पे अटैच होगा तभी माइनस आई प्लस आर से डोमिनेट करेगा कि हमेशा होता है, हेलो भाई, रिंग से बेंजीन रिंग से डीएक्टिवेटिंग पावर रिंग से बोलते हैं, ठीक है। सर अगर प्लस आर डोमिनेट करता होता तो फिर 2 ग्रेटर देन बनाता, हां लेकिन प्लस आर नहीं करता है हैलोजन के केस में, समझा, हां नहीं करता है जनरल में, कोई और ग्रुप में। सर मुझे एक सर वो उधर वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए ना, वो वीकली डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग तो विड्रॉ करता है और इधर विड्रॉ कर रहा है ना, ये ज्यादा विड्रॉ कर रहा है ना, हाँ सर, तो सर मतलब बहुत स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए ना, स्ट्रांग नहीं है ना, मतलब दे भी रहा है ले भी रहा है, केवल अगर लेता ना विड्रॉ करता तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप स्ट्रांग होगा, ओके ओके सर, ये दे भी रहा है इसलिए वीकली डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, हाँ सर। अब देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ, हाँ हाँ फोन आ रहा है, रुक जाओ, एक मिनट, देखो अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है ये भी देखो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ध्यान सुनना, द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंजुगेशन या फ्रॉम बेंजीन रिंग लिखना जरूर, with respect to benzene is called deactivating group, all the minus r minus m group are deactivating group, jo benzene se electron ko withdraw kare, jaise jitne bhi minus m minus r group hai na sab deactivating group hai, withdraw kare with respect to benzene, to sare deactivating group hain, matlab ring pe density kya ho rahi hai, kam, barabar? yes sir. ab dekho idhar ये बेंजीन है और ये ग्रुप है, ये ग्रुप कैसा है, माइनस आर माइनस आई है, तो रिंग बेडेंसी क्या करेगा, कम करेगा ना, और ये रिंग बेडेंसी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, तो दोनों में डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, जल्दी बताओ, वन 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 में। अब देखो अब आप अभी जो पूछ रहे थे वो है, ये माइनस प्लस एम प्लस आर का पावर है, अभी जो मैंने बोला था ना कि प्लस एम प्लस आर पावर, ये क्वेश्चन में आपने बोला था कि नहीं किया है, हम देखो मैंने बोला है कि आ जाएगा, ये पावर है सबसे ज्यादा प्लस आर पावर है NH का, O का, NH2 का, OH का, फिर OCH3 का, फिर NHCOCH3 का, OCOCH3 का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब अगर पूछा जाए इन दोनों में NH माइनस OH है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस में होगी, वन में होगी, NH वाले में, जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा, समझा ना,
यस सर बोलो यस सर आप देखो ये माइनस आर या डीएक्टिवेटिंग पावर है लेकिन ये माइनस आर नहीं शो करता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है चार बॉन्ड है ना माइनस आई से सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग यही है एनआर थ्री प्लस देन एनओ टू देन सी एन एसओ थ्री एच सी एच ओ सीओ सी एच थ्री सीओ एच सर ये एनआर थ्री का माइनस है आपने क्या बोला वो उसमें भी मैंने बोला कि ये रेजोनेंस शो नहीं करता है ना बेटा चार बॉन्ड है तो पांचवा बॉन्ड नहीं आएगा ना ओके तो वो नहीं है माइनस आर पावर में हाँ ये माइनस आर ग्रुप नहीं है लेकिन ये सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है एनआर थ्री इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई पावर समझा यस सर अब सुन बेटा मतलब ये सबसे ज्यादा रिंग पे डेंसिटी कम करेगा और सबसे कम डेंसिटी कौन कम करेगा रिंग पे ये वाला बराबर यस सर अब देख सुनो बेटा जैसे ये देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बुकलेट बुकलेट में अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ये NO2 है दो दो NO2 है ये NH2 NO2 है ये O- है ये NH2 है अब दो NO2 क्या है माइनस आर माइनस आई रिंग पे डेंसिटी कम करेगा ये क्या है प्लस आर माइनस आई ये डेंसिटी क्या करेगा इंक्रीज ये क्या करेगा डिक्रीज देख रहे हैं ना यस सर और ये क्या करेगा इंक्रीज ये भी क्या करेगा इंक्रीज अब पावर किसका ज्यादा है NH2 कौन सा ओ ऑर्डर है ना ओ माइनस NH2 बोलो सबसे ज्यादा कौन सा होगा थ्री ना हाँ ओ का ज्यादा होगा हाँ उसके बाद ओ माइनस है इसलिए थ्री का ज्यादा होगा उसके बाद फोर अब इन दोनों में बताओ ये दोनों माइनस आ रहा है इसमें एक प्लस आर एक माइनस आ रहा है किसका ज्यादा होगा टू का ज्यादा होगा टू का प्लस आर का ज्यादा आएगा ना सर हाँ ना हाँ वो देगा समझा ना हाँ हाँ समझ यस चलो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो देखो इसमें प्लस आर पावर किसका ज्यादा होगा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बता देते हैं तुम्हें ये देखो ये फ्लोरो है ये क्लोरो है ये ब्रोमो है ये आइडो है देख रहे हो ना हेलोबेंजीन है सारे में yes. अब एमंग हेलोबेंजीन देखो हेलो हेलोजन का माइनस आई डोमिनेट होता है अगर बेंजीन से कंपेयर करेंगे तो लेकिन एमंग हेलोबेंजीन लेकिन ऐसा ये नहीं है कि ये रेजोनेंस नहीं शो करता है चारों रेजोनेंस शो करते हैं अब चारों में रेजोनेंस अच्छा किसका है मतलब प्लस आर पावर किसका ज्यादा है देखो मैंने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखा है ना प्लस आर पावर बहुत अच्छी होगी बराबर की होगी हाँ करेक्ट ये 2p 3p हो गई साइज बड़ी हो गई ना हाँ सर थोड़ा बराबर नहीं होगा ये 2p और 4p बहुत बड़ी साइज हो गई ना बोलो सर यस सर 2p 5p हो गया तो इसमें और बड़ी साइज होगी इसमें रेजोनेंस कम होगा ना हाँ सर तो पूछा जाए कि प्लस आर पावर किसका ज्यादा है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में तो क्या बोलोगे फ्लोरो देन क्लोरो देन ब्रोमो देन आयोडो आयोडो सो माइनस आई की रिस्पेक्ट में भी पता दो एक बार नहीं 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 माइनस आई थोड़ी कंसीडर होगा अच्छा सुनो हमारी अरे चुप रहो यार तुम लोग क्यों डिस्कस करते हो आपस में हम जानते हो बहुत स्मार्ट हो आप लोग प्लीज लिसन मी मैं ये कह रहा हूँ 2p 2p है 2p 3p है 2p 4p है 2p 5p है 2p 2p साइज सेम हो गए 2p 3p 2p 4p 2p 5p तो मैं क्वेश्चन मेरा ये कि ये चारों हेलो बेंजीन दे दे हेलोजन ग्रुप लगा दे और पूछा जाए कि रेजोनेंस मैक्सिमम किसमें होगा तो फ्लोरो में होगा मेरा क्वेश्चन आई हुई नहीं है जब बेंजीन पे हेलोजन अटैच करते हो तो माइनस आई इज डोमिनेटेड ओवर प्लस आर लेकिन अगर प्लस आर तो है ना ऐसा थोड़े कि ये प्लस आर नहीं ग्रुप है लेकिन प्लस आर पावर किसका ज्यादा होगा अगर हेलोबेंजीन में देखें तो 1 2 3 4 क्योंकि 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p और जैसे इस हेलोबेंजीन को कंपेयर करेंगे जैसे क्लोरोबेंजीन और बेंजीन को कंपेयर करें तो क्लोरो ग्रुप माइनस आई है क्लोरो ग्रुप प्लस आर है तो माइनस आई पावर इज डोमिनेटेड ओवर प्लस आर अब पूछा जाए कि दोनों में डेंसिटी किस में ज्यादा है बेंजीन में या क्लोरोबेंजीन में तो क्या बोलोगे बेंजीन में सर सर मतलब कि जो आपने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है वो पेज पे सर उसमें वो प्लस आर पावर 1 2 3 4 है लेकिन अगर आपने मैक्स ई डेंसिटी पूछा तो ये ऑर्डर नहीं रहेगा अभी
नहीं वो तो हम उससे बताएंगे क्या माइनस आई. हाँ इंडक्टिव इफेक्ट से हम कंपेयर करेंगे उसकी भी लॉजिक मैं दूंगा अभी रुक जाओ. हैलोजन के केस में पहले इतना समझो ठीक है. सही एक और बार समझाओ ना. मैंने ये बताया कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो है तो फ्लोरो में 2p2p क्लोरो में 2p3p और ब्रोमो में 2p4p और आइडो में 2p5p है. तो पूछ रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि 2p2p 2p3p 2p4p 2p5p रेजोनेंस किस में ज्यादा होगा. फर्स्ट में होगा देन सेकंड में होगा देन फोर्थ में होगा देन फाइव में होगा. तो रेजोनेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी बराबर. यस सर. यस सर. तो पावर रेजोनेंस का पूछा है जब वैल्यू जब बेंजीन से कंपेयर करोगे तो माइनस आई पावर इज ग्रेटर देन व्हाट प्लस आर. प्लस आर. अब जरा ध्यान सुनो पहले हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊं तब ये बताता हूं रुक जाओ. मेरे को ये बताओ ये देखो क्वेश्चन तुम खुद लॉजिक लगाओ थोड़ा दिमाग चलवाए तुम्हारा कि ये 1 2 3 4 5 6 दिया है पूछा जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 करोगे. अच्छा ऑर्डर दिखे बिना नहीं करोगे. नहीं सर याद नहीं है ना अभी इसके लिए. ठीक है ठीक है. ये देखो NH2 NH- है OH NH2 है OH OH है NH2 NH2 है ये NO2 है ये NO2 NO2 है तो NO2 का कौन सा ग्रुप है प्लस आर या माइनस आर. माइनस आर. माइनस आर. तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे कम करेंगे ना बेटा. कम करेंगे. और ये दोनों प्लस आर है ना तो ये रिंग पे डेंसिटी क्या करेंगे बढ़ाएंगे. बढ़ाएंगे. यस सर. अब ये OH NH2 है ये दोनों बढ़ाएंगे लेकिन इसका पावर ज्यादा है ना तो ज्यादा बढ़ाएंगे वन. वो फर्स्ट वाले में NH2 है ना ऊपर. ये NH2 है NH- है तो दोनों प्लस आ रहे हैं इसका पावर भी ज्यादा है तो ये ज्यादा बढ़ाएगा. यस सर. सर NH- का पावर ज्यादा है ना. हाँ हाँ यस. अब ये दोनों प्लस आ रहे हैं लेकिन एक NH2 है एक OH है इसमें दोनों NH2 है देख रहे हो ना तो कौन सा ज्यादा होगा. NH2 वाला ना NH2 का प्लस आर पावर ज्यादा है OH से. सर फर्स्ट सेकंड में कैसे फर्स्ट सेकंड में क्या है पहले सब फर्स्ट होगा उसके बाद क्या होगा फोर्थ. सर आपने वो सेकंड के लिए क्या बताया सर मैं वो पूछ रहा हूँ. ये ऑर्डर है ना देख ले ये देख ले हो गया NH का सबसे ज्यादा है देन O माइनस देन NH2 देन OH मालूम हो गया. हाँ मालूम हो गया मालूम. थैंक यू. कुछ नहीं है सर. आप प्लस आर ऑर्डर में फिनाइल कहाँ पे है. फिनाइल नहीं वो दोनों की तरह एक्ट करता है ये देखो प्लस आर माइनस आर दोनों की तरह इसलिए नहीं लिखा है. ये देख NH- NH2 है ना किसका ज्यादा हो जाएगा. अब NH2 OH है NH2 NH2 है किसका ज्यादा होगा फोर का. फोर का ज्यादा होगा. हाँ. उसके बाद टू का हो जाएगा. यस सर. उसके बाद थ्री. Yes, sir. उसके बाद फाइव उसके बाद सिक्स दोनों माइनस आ रहे हैं इसमें एक माइनस आ रहा है फाइव सिक्स हो जाएगा बराबर. यस सर करेक्ट समझ गया सर. उसी तरह इसको बताना है देखो ये ऑर्डर ग्रुप ग्रुप का ऑर्डर देख लो. सर 3 5 6 का रीजन रिपीट करो ना. थोड़ा ब्रेन लगाओ बेटा. ये OH OH है ये NH2 NH2 है ये NO2 है ये NO2 NO2 है. NO2 कौन सा ग्रुप है माइनस आर ना इसमें दो दो माइनस आर है तो ज्यादा डेंसिटी कम करेगा. इसमें एक माइनस आर है तो थोड़ा सा डेंसिटी अच्छी होगी. इसमें दोनों प्लस आर है लेकिन पावर किसका ज्यादा है NH2 का किससे OH से तो सबसे ज्यादा क्या होगा फोर. फोर के बाद क्या होगा थ्री. इसमें NH2 है फोर टू थ्री फाइव सिक्स और वन से सबसे ज्यादा प्लस आर पावर. ऑर्डर से ही तो देख के बता रहे हैं पावर से ही बता रहे हैं ना समझा. ये यस सर. यस सर. जरा ये सोचो खुद सोचो ये वाला पहला कौन सा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में. हाँ फर्स्ट वाला पहला है. वन के बाद थ्री सही है. वन थ्री सही है.
उसके बाद टू प्लसर वन थ्री टू और फोर फाइव फोर फाइव अरे प्लस आर का पावर देखना है, इसका पावर ज्यादा है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, और ये तो माइनस आई हो गया ना, रिंग बैलेंसी कम होगी बराबर। हाँ समझ गया, ये वाला देख, ये वाला देख, दूसरा फोर आएगा, पहला फोर आएगा, फोर के बाद फोर के बाद टू फाइव वन माइनस आ रहे हैं ना, क्या होगी, कम होगी ना। हाँ सर, सी ओ एच की ज्यादा होगी ना। हाँ सर, हाँ सर, अब देख लो कौन सा होगा, जल्दी बोलो सर। सर सी ओ एच आएगा उसके बाद, हाँ उसके बाद सी एन वाला आएगा, उसके बाद एनओ टू आएगा, फोर थ्री चलो और बताओ, ये वाला बताओ सर, फाइव फाइव आएगा सर, फिर वन, फिर वन आएगा, वन हाँ फाइव वन फोर टू थ्री सही है, सही सही सर। इसका बताओ, इसका वन और टू में वो ऑर्थो और आई मीन अरे ये माइनस आर दो है ना, दो माइनस आर प्लस आर माइनस आर है, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया, समझ समझेगा तो ही जाएगा कहाँ, वो तो मैं जानता हूँ, समझेगा तो कोई समझ, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ बोलो सर, थर्ड क्वेश्चन में सी एन वाला मतलब आपने कुछ बताया नहीं है उसमें, अपने प्लस आर में, तो सर वो कैसे समझे, माइनस आर है ना, प्लस आर क्यों है। हाँ हाँ, तुम लोग भी बहुत स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट हो, साइनाइड माइनस आर है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड है ना, ए डबल बॉन्ड भी है ना, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, ए से है ना। हाँ सर सॉरी, देखा नहीं सर। तुम लोग को एक क्लास अगर हम क्लासरूम में ले लेना, तो उसके बाद सबकी जो थॉट प्रोसेस है एकदम चेंज हो जाएगा, एक दो क्लास में ही चेंज कर देंगे आपको सोचने की टेंडेंसी। अब लाइव रहोगे ना सामने, जिस दिन मिल आप रहोगे उस दिन चेंज हो जाएगा बहुत सारी चीजें, तीन तीन घंटे क्लास लेंगे तो वो तो सब छह घंटे में आप चुस्त दुरुस्त हो जाओगे। और क्या, हम लोग क्या एक एक घंटे पढ़ाते हैं क्या वहाँ पे, अब आने वाले टाइम में जब खुलेगा तो खूब क्लास लगेगी, तो तीन घंटा ज्यादा नहीं होगी, क्या होगा डेढ़ घंटा का होगा, इस पोर्शन खत्म करना है कि नहीं देते होंगे ना, मतलब ब्रेक मिलेगा ना वो। चल इधर देख, इधर देख, इधर देख, पिक्चर देखने में तीन घंटे नहीं लगता है तेरे को दिक्कत, ये देख हैलोजन है, हैलोजन है, हैलोजन है, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं, देख इधर एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ड्रॉप कर दिया, एनायन बन गया, एनायन बन गया, एनायन बन गया, बराबर। यस सर, यस सर। अब देखिए हैलोजन किससे अटैच है, बेंजीनिंग से अटैच है ना। हां सर, कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करें, सेम हैलोजन अटैच है, कौन सा डोमिनेट करें, माइनस आई या प्लस आर, माइनस आई। तो माइनस आई नजदीक है तो ज्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज ना। हां सर, हां सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 या 2, 1 सर, 1 देन मतलब सेम हैलोजन है, ऑर्थोमेटा पैरा पे है, तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, प्लस आर। अब देख बेटा, हाँ सर समझ गया, अब ये ऑर्थो का ज्यादा है, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरे का। अब मैं जो थ्योरी पे बताया हूँ उस थ्योरी को प्रूफ देख, देख ये डेटा देख, 8.48 पीके वैल्यू है इसका, 9.02 इसका, 9.38 कम वैल्यू कौन सी है, ऑर्थो की है, मेटा की है, पैरा की, जल्दी बोलो। ऑर्थो, मेटा, देन पैरा, देन पैरा, पैरा, बराबर। हाँ बराबर, यस सर।
अब देख बच्चे ये देखो ये हेलोजन है फ्लोरीन 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 तीनों सेम है ना। हाँ सर तीनों सेम। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। किसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर यस सर। माइनस हाई से ना? हाँ सर माइनस हाई से। हाँ सर। अब देखो ये मैंने बहुत बदमाशी किया है यहाँ पे दो डिफरेंट हेलोजन दे दिए हैं सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम माइनस आई नहीं देखेंगे डिफरेंट है। अब so, कैसे प्लस आर देखेंगे प्लस आर आप प्लस आर से भी बता सकते हो लेकिन अब देखो उसका लॉजिक देखो सुनो ये जब हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो माइनस चार्ज है माइनस चार्ज जाएगा तो ये माइनस चार्ज देखो ये डीलोकलाइज हुआ तो कहाँ पे गया यहाँ पे। हाँ सर। फिर ये डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया सही है। हाँ सर। फिर ये इधर डीलोकलाइज होगा तो फिर ऑर्थो पे माइनस चार्ज। यस सर। लेकिन जब यहाँ पे आया गया तो ये क्या है डोनर माइनस चार्ज डोनर है ये एक्सेप्टर है ना। यस सर। तो इसका ये भी तो ओरिजिनिटी की स्ट्रक्चर बनेगा। यस मतलब ओ पे जो माइनस चार्ज है एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन पे जा रहा है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है ऑक्सीजन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है दोनों पे जा रहा है देख रहे हो। हाँ सर। लेकिन जब फ्लोरीन से इससे ड्रॉप करोगे तो ये माइनस चार्ज है ये माइनस चार्ज का ओरिजिनिटी स्ट्रक्चर पहला ये दूसरा यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर होगा या नहीं होगा जल्दी बोलो। नहीं होगा एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा। अब ये ऑक्सीजन पे ही है ना ऑक्सीजन पे ही है माइनस चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों पे है तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो मोर स्टेबल होगा तो क्या बोल सकते हो फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकंड की कम होगी। और तुम जो लॉजिक और तुम जो लॉजिक बता रहे हो तो उससे भी सही आएगा प्लस आर पावर ज्यादा है तो माइनस आर का वो क्या करेगा ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा बराबर ना। सर सर आप ये लॉजिक एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें माइनस ही नहीं चलेगा अभी आप वो रेजोनेंस वाला बता रहे थे सर। मैंने ये बताया कि जो ओ पे जो माइनस चार्ज है वो दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक ओ पे दूसरा क्लोरीन पे करेक्ट तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। करेक्ट करेक्ट। अच्छा और सर अगर आपने ऐसे किया कि आपने दो अलग दे दिया ये एटम और अलग अलग पोजीशन पे तो भी अभी प्लस आर ही देखने का है ना। हाँ उसपे तो हम लोग डेटाबेस पे ही बताएंगे जो डेटा से थ्योरी मैच करेगा ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से एग्जांपल कराओ ना। हम करा रहे हैं शांत रहो पहले हम सब कराएंगे टेंशन ना लो पहले ठीक है। करा तो मैं तो सब दूंगा जरा ध्यान सुनना। ये कैटिकॉल है ये रिसोर्सिनॉल है ये हाइड्रोक्विनॉल है या हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं ठीक है हाइड्रोक्विनॉल या क्विनोन। ओके देखो यहाँ से H से ड्रॉप करो एक हाइड्रोजन दो दो हाइड्रोजन एक ड्रॉप कर दिया था माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया माइनस चार्ज है। अब आज से एक पॉइंट जान लो ध्यान सुन लो मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ओवर रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन। मेटा पे ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है क्यों करता है कोप्लेनरिटी उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होता उतना हाइपर नहीं होता उतना ज्यादा अच्छा कोप लेनर नहीं है तो ये हमेशा दिमाग में रखो। ऑन मेटा पोजीशन मतलब कभी भी कुछ भी चेक करना हो तो मेटा पे इंडक्टिव चेक करना। ऑन मेटा पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर अदर इफेक्ट लाइक रेजोनेंस हाइपर जो भी करना है हमारी बात समझ गए। यस सर। यस सर। तो जैसे ये कैटिकॉल है रिसोर्सिनॉल है हाइड्रोक्विनॉल है हाइड्रोजन ड्रॉप कर दिया तो एनायन बना दिया इसका एनायन बना दिया इसका एनायन बना दिया इसका एनायन बना दिया। अब ये मेटा पे कौन सा इफेक्ट देखेंगे इंडक्टिव इंडक्टिव में OH कौन सा ग्रुप है माइनस आई बराबर। हाँ यस सर। अब देखो ये कौन सा ग्रुप है ऑर्थो पे है तो प्लस आर माइनस आई है ना। यस सर। प्लस आर माइनस आई है प्लस आर डोमिनेट करेगा माइनस आई कंपैरिजन में मेटा पे हमेशा इंडक्टिव ये क्या है प्लस आर माइनस आई है पैरा पे प्लस आर प्लस आर। अब देखो इसका प्लस आर होगा तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस आएगा OH जहाँ OH अपना रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे माइनस 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 चार्ज को क्या करेगा स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज डिस्टेबलाइज। अब यहाँ पे भी OH ग्रुप है पैरा पे तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे OH का तो यहाँ पे माइनस 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 चार्ज को क्या करेगा स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज। लेकिन यहाँ पे जो OH ग्रुप है माइनस आई है मेटा पे तो क्या करेगा स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज स्टेबलाइज। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा टू ना।
चुप करना, तू फिर वही बीच में बोला, मैंने अभी मेरे को क्यों तोड़ रहे हो, ब्रेक क्यों करना है, मेरे को एक्सप्लेनेशन तो देने दो पहले। टू पहले रिफाइन कर लिया कि सबसे ज्यादा इससे पहले, ये तो मालूम हो गया ना टू सबसे ज्यादा इससे पहले। रेजोनेंस से यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस चार्ज को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज। इसके भी रेजोनेंस से उसी कार्बन में माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज को डीस्टेबलाइज। सेम मैग्नीट्यूड से वन और थ्री का जो है सेम मैग्नीट्यूड से रेजोनेंस से डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि उसी कार्बन में माइनस चार्ज, इसमें भी उसी कार्बन में माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज रेजोनेंस से। अब देखो रेजोनेंस से दोनों का डीस्टेबलाइजेशन सेम है, तो दूसरा कौन सा इफेक्ट देखोगे, माइनस आई नजदीक है ना। हाँ सर, यस सर। तो माइनस आई नजदीक है तो माइनस चार्ज को क्या करेगा, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल, ये माइनस चार्ज दूर है तो थोड़ा सा अच्छा कम स्टेबल, कम स्टेबल, कम स्टेबल। सुनो सुनो, वन और थ्री में OH के रेजोनेंस से डीस्टेबलाइजेशन सेम है, OH का पावर सेम है, सेम कार्बन पे माइनस चार्ज क्रिएट कर रहा है रेजोनेंस से OH, तो दोनों का डीस्टेबलाइजेशन सेम है, सेम मैग्नीट्यूड से डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो जब दोनों का सेम मैग्नीट्यूड से डीस्टेबलाइजेशन हो गया तो दूसरा कौन सा इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई नजदीक है तो ज्यादा स्टेबल है, माइनस आई दूर है कम स्टेबल। तो टू के बाद कौन सा हो गया, वन के बाद थ्री। सर लेकिन वो जो OH टू तो सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है, और वन और थ्री क्या कर रहा है, प्लस आर से भी स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन वन और थ्री में प्लस आर पावर क्या हो गया, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड से डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो दूसरा इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई नजदीक है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, यहाँ माइनस आई दूर है तो कम स्टेबलाइज करेगा, तो टू के बाद वन, वन के बाद थ्री। और दूसरा एक और चीज बता सकते हो, ड्रॉप करने के बाद जो एनायन बना ना वो ट्रैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज भी हो रहा है, देख रहे हो ना। हाँ सर, ये भी बोल सकते हैं, लॉजिक बहुत है कि ये माइनस आई इसमें ज्यादा लगेगा, इनका मेरेजन पै रहा, और साथ साथ जो एनायन बना वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, किससे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बराबर। सर सर एक डाउट है सर, वो वन और थ्री में प्लस आर आप नहीं देख रहे हो सर, लेकिन अब जो थर्ड में सर प्लस आर दूर है। वन और थ्री में प्लस आर देख रहे हैं, प्लस आर देख रहे हैं, प्लस आर से डीस्टेबलाइजेशन सेम है, इस OH का प्लस आर होगा तो माइनस माइनस माइनस, माइनस चार्ज माइनस चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, ये भी OH का प्लस आर देखेंगे तो माइनस माइनस माइनस, माइनस चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, प्लस आर से डीस्टेबलाइजेशन सेम हो गया ना, जब सेम होने के बाद मैं देख रहा हूँ क्या, कुछ भी नहीं ना, इंडक्टिव में होता है ना डिस्टेंस का रोल। और सर आप जब भी आपने माइनस आई का कंपैरिजन चालू किया फिर आप टू को हिलाओगे ही नहीं ना, भले वो फर्स्ट वाले में माइनस आई पास में तो भी टू फर्स्ट ही रहेगा, कॉमन से माइनस आई को देखेंगे तो जो जितना पास होगा, समझ गए। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर वो टू वाला, वन वाला टू से पास है, मतलब अगर माइनस आई देखेंगे तो भी टू को फर्स्ट ही रखेंगे ना, टू तो फर्स्ट है, टू में तो कोई बात ही नहीं, टू तो स्टेबलाइज okay. कर रहा है ना माइनस आई से। हाँ ओके राइट, और वो वन और थ्री क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है ना प्लस आर, उसके बाद अपने हमने आई पे शिफ्ट किया क्योंकि yes, yes, सर yes, फर्स्ट yes, और थर्ड yes, में प्लस आर का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम लोग ने माइनस आई चेक किया ना। और फिर पोजीशन चेक किया ना OH का नजदीक कहाँ से। अरे हाँ 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 हाँ, ये भी देख उसी तरह क्वेश्चन है, पैरामिथॉक्सी ऑर्थोमिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी मेटामिथॉक्सी ऑर्थोमिथॉक्सी, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आर माइनस आई, ये क्या है माइनस आई और ये क्या है प्लस आर माइनस आई, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, माइनस आई होगा ना टू, और वन और वन और थ्री को कैसे करेंगे, जल्दी बोल, माइनस आई वाला है, माइनस आई वाला सेम वो हो रहा है, चेक करेंगे सर पोजीशन, टू वन थ्री ना। हाँ यस सर। अब देख सुन इधर, मैं जो बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब बोलता हूँ तो कोई ग्राउंड होता है, इसलिए ये देख OH लगा दिया ऑर्थो पे, ये देख 9.48, ये क्या है 9.44, 9.96, सबसे कम किसका है, जल्दी बता, मेटा का ना, मेटा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद पैरा, इसमें देख 9.98, 9.65, 10.21, किसका सबसे कम है, मेटा,
उसके बाद ऑर्थो 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 पैरा पैरा ये राइट चॉइस समझा कि नहीं समझा डेटा और थ्योरी क्या होगी सेम है समझा यस सर ओके थैंक यू बाय बाय नमस्ते थैंक यू सर सेम मैच किया सर डेटा थ्योरी ये वाले नमस्ते सर